हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दो काम की चीज़ें बताऊंगा। नंबर वन, व्हाट्सएप के ऊपर अगर कोई बंदा आपको मैसेज करके डिलीट कर देता है तो अब वो मैसेज आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई बंदा आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करता है तो आपके देखने से पहले ही उसने वो मैसेज डिलीट कर दिया होता है, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप डिलीट हुआ मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर पढ़ सकते हैं। नंबर टू, अगर कोई आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करता है तो आप चाहते हैं कि आप उसका मैसेज पढ़ भी लें लेकिन उसको पता ना चले कि आपने उसका मैसेज पढ़ लिया है, उस तक ब्लू टिक ना पहुंचे, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये दोनों ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह आपने डिलीट हुआ मैसेज पढ़ना है और किस तरह आपने बिना ब्लू टिक लगे व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ना है। तो वीडियो एंड तक देखें, आपको दोनों ट्रिक अच्छे से समझ आ जाएंगी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, मैं हूँ वाजिद सियालकोटी और आप देख रहे हैं टेक्निकल वाजिद सियालकोटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाके आपने टाइप करना है नोटी सेव। नोटी सेव आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ये ऐप आ जाएगा। इसका आइकन देख लें, इसका नाम देख लें। इसी ऐप को आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। इसकी रेटिंग चेक करें तो 3.8 है। इसके डाउनलोड चेक करें तो 10 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। इसको आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इस ऐप को ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से आएगा। आपने सबसे पहले नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, अलाउ के ऊपर क्लिक करना है और इधर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इधर नोटिस सेव को आपने अलाउ करना है। इस तरह से ये अलाउ आपने कर दिया। दोबारा आपने बैक आना है। बैक आएंगे तो आपके सामने ऐसा आएगा। आपने अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। लोडिंग होना शुरू हो जाएगा। जब तक आप इस ऐप को अपने मोबाइल पर पूरी तरह से इसकी परमिशन ग्रांट नहीं करेंगे, इसको अलाउ नहीं करेंगे, तब तक ये ऐप काम नहीं करेगा, ठीक है? तो आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इधर भी आपने सारे ऐप्स के ऊपर इसको अलाउ नहीं करना है, सिर्फ एक ऐप के ऊपर आपने इसको अलाउ करना है, जिसके ऊपर भी आप इसको करना चाहें तो। इधर से आपने इसको ऑफ़ करके आपने व्हाट्सअप बिजनेस के ऊपर मैं इसको अलाउ करता हूँ, तो आपने इधर से बैक आना है। बैक आएंगे तो मैं अभी, मेरे पास दो व्हाट्सअप हैं, एक व्हाट्सअप सादा है और एक व्हाट्सअप बिजनेस है। अभी मैं व्हाट्सअप दूसरे से व्हाट्सअप बिजनेस के ऊपर मैसेज करता हूँ और करके डिलीट कर दूँगा और आपको मैं पढ़ के दिखाऊँगा कि किस तरह मैंने डिलीट हुआ मैसेज पढ़ा है। तो व्हाट्सअप के ऊपर आ जाता हूँ। इस व्हाट्सअप के ऊपर आके मैं नंबर सर्च कर लेता हूँ। नंबर सर्च करने के बाद व्हाट्सअप बिजनेस का मैं मैसेज करता हूँ, हाय का। ये देखें, हाय का मैसेज किया और मैसेज करते ही मैंने इधर से इसको कर दिया डिलीट फॉर एवरीवन। ये देखें, ये मैसेज मैंने इधर से डिलीट कर दिया। अभी मैं आपको यही मैसेज पढ़ के दिखाता हूँ। अगर आप अभी इधर व्हाट्सअप बिजनेस पर जाके ये मैसेज को पढ़ेंगे इस तरह से, तो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा कि ये मैसेज डिलीट हो गया है। तो आपने इस मैसेज को किस तरह से पढ़ना है, आपने जाना है नोटिस सेव में। नोटिस सेव में आप जाएंगे तो आपके सामने ये मैसेज इधर आया होगा इस तरह से। ये देखें, हाय का मैसेज मैंने किया है और ये मैसेज डिलीट हुआ हुआ है इधर, ठीक है? तो इस तरह से आपने इस मैसेज को पढ़ लेना है। और अभी मैं आपको बताता हूँ दूसरी ट्रिक ये कि अगर आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी का भी मैसेज पढ़ लें और उसको पता ना चले कि आपने उसके मैसेज को पढ़ लिया, उस तक ब्लू टिक ना पहुंचे, तो इसके लिए भी मैं दूसरे व्हाट्सएप के ऊपर आता हूं और इससे मैं मैसेज करता हूं दूसरे व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर, हेलो का। ये देखें, हेलो का मैंने मैसेज कर दिया व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर इस तरह से, ठीक है? ये देखें, अगर अभी मैंने व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर जाके ये मैसेज नहीं पढ़ना, मैं जाऊंगा नोटिस सेव में। नोटिस सेव में जाके ये मैसेज आया होगा। ये देखें, इधर मैंने ये मैसेज पढ़ लिया। ये देखें, आया हुआ है हेलो का। ये मैंने हेलो का मैसेज पढ़ भी लिया और इस व्हाट्सएप के ऊपर मैं जाता हूँ। ये देखें, इधर अभी तक भी ब्लू टिक नहीं लगी। इस बंदे को यही है कि मैंने इसका मैसेज अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है? इस तक ब्लू टिक नहीं पहुँची। अगर मैं व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर जाके ये मैसेज पढ़ूंगा तब इसके पास ब्लू टिक आ जाएगी, लेकिन अगर मैं नोटिस सेव में जाके इसका मैसेज पढ़ूंगा तो इसके पास ब्लू टिक नहीं पहुंचेगी। तो इस तरह से आप ये दोनों काम कर सकते हैं। डिलीट हुआ मैसेज भी आप नोटिस सेव में आके पढ़ सकते हैं और बिना ब्लू टिक लगे भी आप व्हाट्सएप का मैसेज नोटिस सेव में आके पढ़ सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने दो कमाल की ट्रिक बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी और नई नई चीज़ें सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलें, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखें, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।